जनपद संभल के चंदौसी में AIMIM के प्रदेश सचिव द्वारा निजी समाचार पत्र में विवादित ज्ञापन देने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर एक निजी समाचार पत्र में AIMIM के प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान की तरफ से एक अपील प्रकाशित कराई गई, जिसमें लिखा था कि गाजियों की धरती पर गर्जेंगे शेर हिंदुस्तान। इस पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विशाल चौहान ने चंदौसी कोतवाली प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। जो संभल में असदुद्दीन ओवैसी की जो जनसभा के लिए आज जो विज्ञापन दिया गया है, और उसमें लिखा हुआ गाजियों की धरती पर शेर हिंद असदुद्दीन ओवैसी का जनसभा होगी। गाजी का मतलब काफिरों की हत्या करने वाला, जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है उनकी हत्या करने वाले के लिए गाजी की उपाधि दी गई है, ये सर्वविदित है। तो इसके हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को जो भड़काने का काम इस विज्ञापन के द्वारा हुआ है, ये गाजियों की धरती नहीं है, पृथ्वीराज चौहान की ये राजधानी रही है। और हमारे हजारियों साल के पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल नगरी में होगा, और हमारा हिंदू क्षेत्र पूरा का पूरा कूपे हैं, वहाँ पे सभी तीर्थ स्थान है, और ऐसे स्थान को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ऐसा ज्ञापन दिया है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। ना तो इस ऐसे कृत्य को ना तो हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा और ना ही हिंदू जागरण मंच बर्दाश्त करेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो तालिबानी संस्कृति इस संभल जिले के अंदर फैलाना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग फैलाना चाह रहे हैं, इनका फन कुचला जाने चाहिए ऐसे जहरीले सांपों का। तो हम लोगों ने आज तहरीर दी है और प्रशासन से मांग करिए कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सख्ती से सख्ती से सजा दिलवाई जाए। संस्थान ने विज्ञापन छापा गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है? नहीं, जिसने जिसके द्वारा निवेदक के द्वारा दिया गया है, हमने उसका नाम लिखा है उसमें, और उस पर कार्रवाई की हमने मांग करी है। और ऐसे जो तो जांच का विषय है, किन किन लोग कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, प्रशासन इसकी जांच करेगा और उन पर कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है। देखिए, संभल में एक स्थान है दीपासराय, जहाँ से यहाँ के सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क, वो आते हैं, उन्हें वो इस चीज़ के लिए कुख्यात हैं। और दूसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो पूरे भारतवर्ष में इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने का कार्य करते हैं, जिनका पूरा अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरपंथ है और अपना चुनावी फ़ायदा करना है। तो लगातार यहाँ सपा सरकारें रहीं जिन्होंने इनको पोषवित और पल्लवित होने का मौका दिया, तो इन लोगों के उस समय से, सपा सरकार के समय से, ऐसे लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है, जो धीरे धीरे योगी सरकार में धीरे धीरे उन पर सुधार करने का काम कर रहे हैं। अभी पीछे देखा होगा आपने, जब अलकायदा के एक आतंकी पकड़ा गया था तो उसके समर्थन में डॉक्टर वर्क ने बयान दिया था। जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष, इनके पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं फिरोज खां, उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके पक्ष में बयान दिया था। तालिबान के समर्थन में इन्होंने बयान दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं, और पुराने समय में कांग्रेस शासन में ये लोग कहीं ना कहीं मंत्री पद पर रहे, तुष्टिकरण के नाम पर इनको पोषित किया जा रहा है, इनकी सबकी आदतें खराब हो गई, इन पर किसी ने अंकुश नहीं लगाया। अब जब से 2017 से मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, और 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से धीरे धीरे इनके पेच टाइट होने शुरू हुए हैं। अभी पूरी तरह इनकी बुद्धि दुरुस्त नहीं हुई है। ये लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, ये लोग तालिबानी मानसिकता के समर्थक हैं। सोचिए, वो तालिबानी जो स्त्रियों का किस तरह से अपमान करते हैं, खुलेआम उनकी इज्जत को लूट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तमाम कत्लेआम कर रहे हैं, इन लोगों का ये लोग समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और संभल क्षेत्र में जिस तरह के इनके मंसूबे बड़े हुए हैं और मन बिगड़े हुए हैं, धीरे धीरे योगी सरकार में पूरी तरह से ये दुरुस्त कर दिए जाएंगे, इनके पेच पूरी तरह से टाइट किए कर दिए जाएंगे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है। अभी कुछ दिन पहले सपा सांसद द्वारा एक बयान दिया गया था तालिबान को लेकर, उसमें देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, इन पर उसमें कोई कार्रवाई भी तक हुई नहीं? देखिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जांच चल रही है, ये योगी सरकार है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इनको कोई संरक्षण मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को हमारे समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा और ना सरकार का संरक्षण मिलेगा।